राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए हरियाणा के उप मुख्यमंत्री एवं जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता दुष्यंत चौटाला 6 नवंबर को सोमवार को भरतपुर आएंगे, जहां वो जेजेपी उम्मीदवार के नामांकन के अवसर पर एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। जेजेपी उम्मीदवार डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि इस विशाल रैली में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अलावा संभाग प्रभारी हर्ष कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जेजेपी भरतपुर में करने जा रही है। आज जब दुष्यंत जी चौटाला साहब 20 तारीख को आए थे, उस समय वास्तविक स्थिति में हमने 26 स्थान स्वागत के लिए उनके लिए रखे थे। वो 35 साल का एक युवा जो है बिल्कुल शांत भाव से अपना काम करता है। मैंने इतनी बार देखा कि हम लोग अधिक उम्र के होकर के भी उनसे कई बार किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, पर उनको हमने कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। दिन में 2-3 बार कॉल उधर से ही आएगा, डेली रिपोर्टिंग लेंगे, डेली चीजों को समझते हैं और खुद यहाँ किससे क्या बात कर रहे हैं उसका खुद भी अवगत करवाते हैं कि मैंने इनसे बात की है, इनसे बात की है। तो पार्टी पूरी गंभीरता से भरतपुर में चुनाव लड़ने जा रही है और उस रैली को जो हम लोग करने जा रहे हैं सफल बनाने में हमारे मीडिया कर्मी साथियों का, हमारे सभी जो मतदातागण हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबका भारी योगदान है। मैंने कभी भी इतने निस्वार्थ भाव से काम करते हुए मैं बीजेपी पर रहा हूँ। मैंने खूब प्रभारियों को देखा है, खूब दूसरे लोगों को देखा है। मैंने पिछले 20 दिन से भाई बच्चन जी गुर्जर हैं, गुजरात में प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी के, निश्चित ही वहाँ हमारा संगठन तो है पर सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं है हमारी। उस स्थिति में इनको सुबह से शाम तक काम करते हुए जो हम लोग देखते हैं, निश्चित ही अच्छे परिणाम का संकेत है कि जो वहाँ से आकर के प्रभारी खुद गांव-गांव जाकर के अभी भी पिछले 20 मिनट से कहीं मीटिंग चल रही थी और वो कहीं अपने समुदाय की किसी मीटिंग में थे, वहाँ से अभी निकल के जो आए और लेट भी हुए हम लोग, तो उसी स्थिति में मैं ये जान सकता हूँ कि भाई जो परिस्थितियाँ पुराने के लिए आए सच में नया होना चाहिए। आप देखो मुख्य रूप से आप हम सब जानते हैं BSP, कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी, ये ठीक स्थिति में कॉम्पिटिशन में रहेंगे। कोई भी नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा। दागियों को आप फिर चुन सकते हैं, वर्तमान में चल रहा है, सबके सामने ऑप्शन है और आप मात्र रिपोर्टर नहीं है, आप मतदाता भी है। तो हमको खुद को सोचना चाहिए वास्तव में सही आदमी को आगे लाने का जिम्मेदारी नैतिक रूप से हमारी भी है। अगर हम दूसरे तरीके से सोचते तो हमारी जिम्मेदारी है खुद की। उस स्थिति में एक सिंगल कॉमा के बराबर मैं राजकीय सभा में भी रहा हूँ, प्राइवेट में भी हम लोग रहे हैं। प्राइवेट में जहाँ आज हम लोग ये मीटिंग करने जा रहे हैं, इस मीटिंग के अंदर स्वयं सीताराम जी का होटल है, लुबिन में रहते हुए इसी क्षेत्र में 17.5 करोड़ रुपये लोन मांग बांटे हमने। आज मेरे सामने 20 लोग खड़े होते कि डॉक्टर साहब 2000 रुपए खाए थे, आज वो लोग साथ में लग गए क्योंकि उस टाइम के लोग साथ लग गए क्योंकि उस टाइम किसी ने 10 पैसा खाया नहीं था। आज दूसरे कैंडिडेट क्षेत्र में जा रहे हैं, जैसे मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री करा दो, हमारे प्लॉट को दे दोगे तो ये हमारे प्लॉट, लोग निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? कि आपके कार्य जो रहे हैं पीछे में वो अतीत अच्छा नहीं है और भूमाफिया, पेपर माफिया, भ्रष्टाचारी सच में छोड़ना चाहिए, अपने सबको आगे बढ़ के छोड़ना चाहिए। और कभी जीवन में मैं तो एक चीज कह सकता हूँ सर, कोई एक आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके सामने कभी जीवन में मेरा हाथ यूं हो और उसका हाथ यूं हो भ्रष्टाचार के मामले में। और इसके उदाहरण आपको मैं 2 उदाहरण दे दूं सर। एक सरकारी नौकरी में रहते हुए 13,000 की तनख्वाह वाला आदमी 20 लाख की रिश्वत को छोड़ता है, वो वक्त था जब सलमान खान के पोस्टमार्टम की बारी थी। पिक्चरों का हीरो है वो, बड़ा पैसा दे सकता था, मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, 4 बार हाथ मिला लेता, 2 बार फोटो खिंचवा लेता और धन भी दे सकता था उन्हें, पर हमने हमारे सही तरीके से ही काम किया। दूसरी हिंगोनिया गौशाला है, मैं अप्रत्यक्ष रूप से बता, हिंगोनिया गौशाला के अंदर सेम वो सारे इंग्रेडिएंट उपलब्ध थे जो कि बिहार में चारा घोटाला जो हुआ था लालू जी के टाइम पर उसमें थे।
उन परिस्थितियों में वहां 13 लोग जेल गए। 13 लोग जो जेल गए थे वो चारा घोटाले में 6.5 करोड़ के चारे को 1.25 करोड़ मैंने किया था, और उस 1.25 करोड़ को करने में महीने का आप सोचो कितना बड़ा गैप है, 6.5 करोड़ लग रहे हो, और ये बात है 2008 की। आज 6.5 करोड़ छोटे अमाउंट है, 2008 में बड़ा अमाउंट था, महीने में 6.5 करोड़ में बड़ा अमाउंट होता है, आज तो छोटा अमाउंट हो गया। उसमें एक मुख्यमंत्री के ससुराल पक्ष के 6 लोग जेल गए। वास्तव में अगर इन पट्टों में जैसा लोग कह रहे हैं अनियमितताएं इतनी है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें कोई करे, निश्चित उसको नुकसान होगा। कि आप जमीन को, सरकारी जमीनों को सिमगोमर जहां खुड़बुड़ किए वो ऐसे नहीं कर सकते आप। हम कस्टोडियन तो हो सकते हैं किसी संपत्ति के, राज्य के सेवा में रहे हम तो कस्टोडियन है उसकी, मात्र उसकी सुरक्षा करना है हमारा काम। और सुरक्षा भी किस तरह से, जैसे हम अपनी बेटी की करते हैं, बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे बड़ा करेंगे शिक्षित करेंगे, और एक वक्त पे उसका विवाह करके हम लोग दूसरे परिवार में उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपनी बेटियों को भेजते हैं। वही परिस्थिति सरकारी पदों पर रहने वाले लोगों की सच में होनी चाहिए। पर परिस्थिति क्या रही कि मेरे अधीनस्थ के खाते में साइन कर रहा हूँ चेक एज ए DDO पावर, और मेरे अधीनस्थ के खाते में पैसा भेज रहा हूँ, उसमें से हिस्सा ले रहा हूँ, और वो अधीनस्थ जेल काट रहे हैं। केस मेरे खिलाफ भी है, पर चूंकि मेरे मुख्यमंत्री से अच्छे रिलेशन है इसलिए मेरे केस को होल्ड पर डाल दिया गया। तो होल्ड पर कितने दिन डालेंगे, बहुत लंबे दिन ना तो होल्ड पर मेरा केस चल सकता, और उनका है तो उनका भी नहीं चल सकता। और देखो साफ सुथरे पन की स्थिति ऐसी है कि आदमी को निश्चित साफ सुथरा पन भी होना चाहिए पर काम भी करना चाहिए।